धमतरी जिले के खुरूद सिविल हॉस्पिटल के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर खुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल खुरूद में एक महिला प्रसव के लिए आई थी, जिसने मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद शिशु के शव को डिलीवरी वार्ड में रखा गया था, जहां से किसी अज्ञात व्यक्ति उसके शव को उठाकर ले गया। वहीं सुबह होने पर नवजात शिशु का शव मिला, जिसका सिर धड़ से अलग था। ऐसे में अब अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक अज्ञात व्यक्ति प्रसव कक्ष में प्रवेश कर गया और शव को अपने साथ ले गया। बहरहाल खुरूद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। हाँ, ये सूचना हमको हॉस्पिटल से मेमो प्राप्त हुई थाने में, तो थाने में जैसी मेमो प्राप्त हुई, मेमो जांच पर से तुरंत थाना उपस्थित आकर मौका का और जो यहाँ इंचार्ज डॉक्टर हैं और उनके परिजन, उनसे पूछताछ किया गया, जिसमें खुलकर अभी तक ये सामने आया है कि प्री मिच्योर बेबी को, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी जन्म के दौरान, उनका जो शव था उसको सुरक्षार्थ रखा गया था किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। शव को हॉस्पिटल परिसर के कैंपस जो बाउंड्री वाल है उसके बाहर फेंका गया है, जिस पर जांच किया गया और देखा गया कि शव को सुरक्षार्थ अंदर पुनः परिजन और हॉस्पिटल कर्मचारियों के द्वारा रखा गया है और इसमें जांच जारी है। प्रथम दृष्टया इसमें यह है कि किसी भी मृत शिशु का शव या किसी भी बड़े इंसान का शव, जिसको कि सुरक्षित ही कफन दफन किया जाता है, इस प्रकार से लावारिस स्थिति में नहीं किया जाता, जिस पर से जांच कर रहे हैं। गला भी कटा हुआ है, वो डॉक्टर साहब पीएम रिपोर्ट पर से जानकारी दें।